में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज की। जी हां, मध्य प्रदेश में सूरज का थर्ड डिग्री टॉर्चर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया में राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी है। दतिया में 47.5 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंचा हुआ है, तो वहीं अगले 24 घंटे में 11 जिलों में हीट वेव की आशंका भी जताई गई है। ग्वालियर चंबल में लू चलने का अनुमान है, तो वहीं भोपाल इंदौर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर गुना में भी 45.5 डिग्री पारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार गर्मी की गर्माहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि अब जो अलग अलग जिले हैं वहां पर गर्मी देखने को मिल रही है और जो जनता है उनका हाल बेहाल होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो दतिया की बात करी जाए तो यहाँ पर 47.5 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच चुका है। वहीं अगले 24 घंटे में ऐसे 11 जिले हैं मध्य प्रदेश के जहां पर हीट वेव की आशंका भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो लगातार मध्य प्रदेश में आसमान आग उगल रहा है, इसकी तस्वीरें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो गर्मी की तपिश से बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में गर्मी किस प्रकार से कहर बरपा रही है ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको दिखाते हैं कि वहां पर तापमान कैसा है। सबसे पहले दतिया की बात चली जाए तो यहां पर 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वहीं पर भोपाल में 43 डिग्री, इंदौर में भी लगातार गर्मी की गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां 43.1 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही ये चार जिले आपको बता रहे हैं जहां पर अलग अलग और सबसे ज्यादा दतिया में 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजस्थान, पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन अब दतिया ने राजस्थान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां दतिया में राजस्थान से भी ज्यादा 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये चार जिले आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों में किस प्रकार से टेम्परेचर लगातार हाई होता हुआ नजर आ रहा है और आसमान आग उगलता हुआ भी यहां पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में एक बार मौसम फिर से करवट बदल रहा है, जहां सुबह के समय तेज कड़कती धूप की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं संस्कारधानी जबलपुर में शाम को तेज हवा और कई बार बारिश की भी संभावना बन जाती है और मौसम एक बार फिर से परिवर्तित हो जाता है। लोगों का दोपहर के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। वहीं डॉक्टर के मुताबिक, डॉक्टरों का कहना है कि इस कड़कती धूप की वजह से इसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं और शाम का इस तरीके से मौसम बदलने की वजह से बीमारियां और तेजी से भी फैल रही है। आप देख रहे हैं इस तरीके से तमाम धूप की वजह से लोग फेस कवर करके घर से बाहर निकल रहे हैं। और सोनल पांडे, जबलपुर, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में एक बार मौसम फिर से करवट बदल रहा है, जहां तो देखिए राजधानी भोपाल में टेम्परेचर कितना हाई है इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं और सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारी संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ में जुड़ी हुई है। रंजना, फिलहाल अगर भोपाल की बात कर ली जाए तो देखिए यहां पर भी गर्मी की गर्माहट देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का किस प्रकार से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही मौसम को लेकर जानकारी? जी, अगर राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो आसमान है वो आग उगल रहा है, दोपहर के वक्त है और लोग तीखी गर्मी से परेशान हैं और लू के थप्पड़ों से जो परेशान है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि लोगों को अभी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है वो आगे आने वाले एक हफ्ते तक कुछ इसी तरह से जो रिकॉर्ड है वो होने वाला है, जिसमें प्रदेश भर में अगर दतिया की बात करी जाए तो दतिया सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, जहां पर 47.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जो कि देश भर में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में शामिल रहा है। और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, दतिया के साथ ही प्रदेश भर के ज़्यादातर जिलों में हीट वेव चलने को लेकर जो अलर्ट है वो भी जारी किया है और ये भी कहा है कि जब भी लोग घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरे को और हाथों को पूरी तरह से कवर करके निकलें और पानी पीते रहें, क्योंकि इस वक्त जो लू है वो लोगों को बीमार जरूर कर सकती है। ऐसे में आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरीके से दोपहर में तपती हुई गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, उससे लोग थोड़ी सी राहत की उम्मीद जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आने वाले एक हफ्ते तक फिलहाल राहत की कोई उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही, ना सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि प्रदेश भर में किसी भी हिस्से में जो राहत है वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। जी,
बिल्कुल रंजना, तो इसे समझा जा सकता है और 43 डिग्री के पार अब टेम्परेचर पहुंच चुका है राजधानी भोपाल का। इससे साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि लोगों का हाल लगातार बेहाल होता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात कर ली जाए प्रशासन की ओर से, तो प्रशासन की ओर से किस प्रकार से इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों को किस प्रकार से एडवाइजरी जारी कर अलर्ट भी किया जा रहा है? प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो जो पीने के पानी के इंतज़ाम है जगह जगह पर वो ज़रूर किए जा रहे हैं, ताकि लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जगह जगह पर वो पानी ज़रूर पी सकें। लेकिन डॉक्टर्स की यही सलाह है कि लोग घरों से अगर बाहर निकल रहे हैं तो खाली पेट बिल्कुल भी ना निकलें और अपने आप को पूरी तरह से कवर करके ज़रूर निकलें, क्योंकि इस वक्त जो लू है वो लोगों को लग सकती है और लू से बचने का यही एक तरीका है कि खाली पेट ना निकलें और अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलें। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी घरों से बाहर निकलें। लेकिन अब लोगों की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है और ज़रूरी काम करने होते हैं, ऐसे में घरों से निकलना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन निकलें ज़रूर, लेकिन अपने सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखें और अपने आप को पूरी तरह से ढककर ज़रूर निकलें ताकि तीखी गर्मी से बच सकें, क्योंकि अभी फ़िलहाल लोग राहत की उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अभी फ़िलहाल राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और अभी ये जो भीषण गर्मी है, तीखी धूप है और तपिश है, वो लोगों को और ज़्यादा बेहाल आने वाले दिनों में कर सकती है। जी बिल्कुल, तो देखा समझा भी जा सकता है कि लोग किस प्रकार से गर्मी से परेशान हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रंजना तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए राजधानी भोपाल की जानकारी आपको दे रहे थे हमारे संवाददाता रंजना, जिन्होंने बताया कि गर्मी से वहां की जनता यानी कि राजधानी भोपाल की जनता किस प्रकार से परेशान होती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इंदौर की, वहां पर क्या हाल है वो भी आपको बता देते हैं। मई माह में गर्मी में इंदौर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि लोग लगातार परेशान हैं। हालात ये है कि रविवार को दिन का पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से रविवार सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार को भी तापमान 44 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई है। हालांकि शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में तापमान अलग अलग दर्ज किया गया है। पूर्वी इंदौर का पारा 44 डिग्री पर पहुंच गया तो जबकि पश्चिमी इंदौर का पारा 43.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इंदौर में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाना फिर से, इंदौर में गर्मी लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही है और यही वजह है कि जो पारा है वो 43 डिग्री को पार कर चुका है। इंदौर में रविवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा 43 डिग्री टेम्परेचर के साथ में, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंदौर ने इस साल सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। और अगर गर्मी की बात करें तो लोग यहाँ पर निजात पाने के लिए गन्ने की रस की दुकानों पर पहुँच रहे हैं, जो ऐसे पेय पदार्थ होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर पी रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। चिलचिलाती धूप है और आप देखें कि यहाँ पर जो है वो सड़कों पर भी इसका असर नज़र आ रहा है। जो लोग निकल रहे हैं वो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय कर रहे हैं, लेकिन सड़कें भी इंदौर की सुनसान कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। गर्मी के चलते कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी दिक्कत है, चलिए कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही हैं? नहीं, सुपरी से। तो कितना गर्मी है यहाँ तो देख रहे हैं आप? तो वहाँ से भी ज़्यादा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा? नहीं, एमपी से ही है, सीपरी से। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से भी ज़्यादा टेम्परेचर है? हाँ, वहाँ से ज़्यादा है यहाँ तो। हाँ, आप बहुत गर्मी है, देखो गन्ने का रस। तो कितनी परेशानी होती गर्मी से? गर्मी है, क्या करें, परेशानी तो सबको होती है। देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है गन्ने का जूस पी रहे। कितनी गर्मी है, कितना असर है इस बार? तो कह रहे रिकॉर्ड टूट जाएगा, ज़्यादा ही है इस बार। आप लोग कहाँ से आए? उदयपुर से। वहाँ और उदयपुर तो राजस्थान में तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन इंदौर का टेम्परेचर और हाई जा रहा है? हाई जा रहा है इस बार, ज़्यादा ही हाई जा रहा है जी। खड़े रहने की नहीं बन रही भैया? पिछली बार तो कम थी पर इस बार तो ज़्यादा ही गर्मी है। मतलब आप खड़े नहीं रह सकते हो धूप में, तो कुछ ना कुछ ठंडा वगैरह पीते रहना। हम तो यही इंदौर के रहने वाले हैं। इंदौर में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं नहीं, हर साल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पेड़ वगैरह भी कट जाते हैं ना, उससे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अदरवाइज तो अच्छा रहता था टेम्परेचर पहले, पर इस साल को ज़्यादा ही है सर। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जूस पी रहे हैं और इसके साथ में जो है वो यहाँ पर गर्मी से निजात पाने की कोशिश में है, लेकिन जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसने मुश्किलें ज़रूर बढ़ाई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का माने तो अभी टेम्परेचर इसी तरीके से बरकरार रहेगा और आने वाले एक सप्ताह में किसी भी तरह से गर्मी से राहत की कोई उम्मीद फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। नरेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए इंदौर की जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब सीधे रुक कर लेते हैं उज्जैन का। उज्जैन का हाल जान लेते हैं कि वहां पर मौसम का मिजाज किस प्रकार से है। हमारे साथ में संदीप जुड़े हुए। संदीप, उज्जैन में क्या स्थिति है मौसम को लेकर? क्योंकि इंदौर और भोपाल की बात कर ली जाए तो यहां पर लगातार गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन उज्जैन की क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल, मैं बताऊं यहाँ पर भी सूरज पूरी अपनी आग उगल रहा है और नागरिकों का दोपहर का जीवन बिल्कुल जीना मुहाल कर रखा है। जो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कल भी 42.6-42.7 ये टेम्परेचर पिछले तीन दिन से 42.5 से 42.7 के बीच चल रहा है। गर्मी ने पूरे लोगों की ज़िंदगी को पूरा चेंज कर दिया है। अब हम देखते हैं, मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ आप देखिए, ये रेलवे स्टेशन क्षेत्र है और यहाँ पर इक्का दुक्का कोई व्यक्ति जो बहुत ही कोई मजबूरी में है वही यहाँ दिख रहा है। पूरा एक तरीके का वीरान इस तरीके की स्थिति बन जाती है और ये स्थिति शाम तक हम देखेंगे 11-12 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक यही स्थिति रहती है। बिल्कुल इक्का दुक्का लोग जिनको बहुत ही ज़रूरत है वही निकल रहे हैं। हर जगह मार्केट्स की बात करें, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में वहाँ बात करें वहाँ भी नहीं। और यही कारण है कि पूरा बिजनेस के आवर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए, शाम के आवर्स हो गए। अब आजकल पूरा बिजनेस शाम को 6 बजे से 10 बजे तक ज़्यादा है। जो नागरिक लोग किसी मजबूरी में निकले भी हैं बाहर तो उनके पास थोड़ी थोड़ी देर में या तो वो दही का कुछ लेते हैं या जूस लेना उनकी मजबूरी है या इसी तरीके का कुछ ना कुछ, इन्हीं जो ये ठेले हैं इन्हीं की सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं। हाँ, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके हम यहाँ बात भी करते हैं। क्यों भैया, गर्मी ने क्या हाल कर रखा है? बहुत बुरा हाल कर रखा गर्मी ने। तो आपने क्या अभी गर्मी से आपने लड़ने के लिए यहाँ क्या पिया अभी आपने? जूस पिला रहे हैं, जूस पिला रहे। अच्छा, तो आपको घर से निकले आप तो कोई किस काम से निकले अभी इतनी गर्मी में? काम करने के लिए निकले। काम करने के लिए, तो जूस से क्या राहत मिलती है? मिलती है ना, मिलती है। आपको कैसा लगा जूस पी के गन्ने का रूप? दिल को सुकून तो मिलता है ऐसी गर्मी में, थोड़ा कलेजा ठंडा हो रहा है। तो देखिए, आप देख रहे हैं या लोग गर्मी से मजबूरी है, निकल तो रहे हैं काम काज है बट कोशिश कर रहे हैं कि जूस या इससे कैसे भी करके कम किया जाए उसके असर को। जी बिल्कुल, तो संदीप देखा जा सकता है कि किस प्रकार से लोग तरल पदार्थों का सेवन कर रहे हैं ताकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रख लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गर्मी के समय। इस प्रकार से अगर भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप होती है तो उससे बचने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, उज्जैन की जानकारी आपको दे रहे थे जहाँ पर देखा जा सकता है और 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस तक लगातार उज्जैन का तापमान देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बुरहानपुर की। बुरहानपुर में इन दिनों तेज गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शहर गर्म हवाओं और लू की चपेट से घिरा हुआ है। शहर का तापमान 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय और भीषण गर्मी होने के आसार भी है। पूरे मध्य प्रदेश में इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी और तेज हवाओं ने कहीं ना कहीं आम जन को झुलसा देने वाली गर्मी से बहुत हलाकान कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो मुख्य मार्ग है बुरहानपुर से रावेर जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, जो अनुमान यहाँ पर ट्रैफिक रहता है परंतु गर्मी के चलते ये पूरा सड़क सन्नाटा छाया हुआ है। लोग इक्का दुक्का ही बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा जरूरत है, और जो भी निकल रहे हैं वे कहीं ना कहीं अपने अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधे, टोपी पहने या फिर चश्मा लगाकर बाहर निकल रहे हैं ताकि वो गर्मी की लपटों से बचे। और कहीं ना कहीं इन गर्मी के दिनों में अपने आप को शीतल रखने के लिए शीतल पेय जल का सहारा भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसमी के जूस पे कुछ लोग बैठे हैं और ये जूस के सहारे से लेकर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे बच रहे हैं आप गर्मी से? मेरे बहुत गर्मी हो गई, ये जूस पीने टाइम पास कर रहा सर। अनुमम कितनी गर्मी रहती है यहाँ पर? यहाँ पे 46 से 47 तक है। 46 से 47 डिग्री तापमान बुरहानपुर का अनुमम रहता है, जो 22 तारीख के बाद और बढ़ने की संभावना है। अगर हम आज की बात करें तो आज 44 डिग्री तापमान बुरहानपुर में दर्ज किया गया है और मौसम विभाग के अनुसार ये तापमान की और वृद्धि होगी। बताया जा रहा है कि 25 तारीख से जो नौतपा प्रारंभ होगा जो तापमान 47 डिग्री तक पहुँचेगा और इस भीषण लू की चपेट देखने मिलेगी और भारी बारिश की कुछ संभावना भी यहाँ मौसम विभाग बता रहा है। और फिलहाल तो ये देखा जा गया है कि जो गर्म हवाएं और लू से लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की है। साथ ही घर से बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़ा और टोपी पहनकर बाहर निकलने की बात कर रहे प्रशासन कर रहा है। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की बात प्रशासन के द्वारा बताई जा रही है आम जन को, जिससे राहत मिल सके। फिलहाल तो अब आने वाले एक सप्ताह तक बुरहानपुर वासियों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने से कोई संभावना नहीं दर्ज नहीं हो रही है, परंतु एक संभावना ये भी है कि 1 तारीख से केरल में मानसून पहुँचने वाला है।
पर अगर वो समय पहुंचता है तो यहाँ पर 6 से 7 तारीख तक बारिश होने की संभावना हो सकती है। कैमरा पर्सन सनी के साथ गणेश दुनगे, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। तो देखिए, दोपहर 12 बजे से 3 बजे का वो समय होता है जब गर्मी अपने सबाब पर रहती है, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस समय घर से बाहर ना निकले ताकि डिहाइड्रेशन या फिर लू जैसी स्थिति देखने को ना मिले।